सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 4 ऑफ प्लस 1 बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक। प्रीवियस वीडियो में हमने पेज 3 को कवर किया था, इस वीडियो में हम पेज 4 को कवर करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि कुछ लिविंग थिंग्स की सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो पहली करेक्टरिस्टिक थी ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। यहाँ पर दिया गया है कि इवन अ सिंगल सेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। ओके, इन प्लांट्स द ग्रोथ ऑफ सेल डिवीजन, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ। हम ये जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है दैट इज थ्रू आउट द लाइफ। आप देखेंगे एक छोटे से एक बनियन ट्री को, वो एक छोटे से सीड से जर्मिनेट होके एक बनता है और उसकी ग्रोथ जो है वो चलती रहती है फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। कितना बड़ा वो पेड़ हो जाता है, ठीक है। अगर उसके बाई चांस कोई उसका पार्ट जो है टूट भी जाता है, स्टेम वगैरह, तो वो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। सो दैट इज ग्रोथ। ओके, सो ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। एनिमल्स में क्या होता है, ग्रोथ जो होती है दैट इज अप टू अ सर्टेन एज। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो वेन अ ह्यूमन बींग अटेन्स अ एज ऑफ 24 ईयर्स और 25 ईयर्स, उसके बाद उसकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है इन द टर्म्स ऑफ हाइट। उसकी हाइट जो है वो नहीं बढ़ेगी, उसका वेट जो है दैट विल नॉट इंक्रीज। वो डिपेंड करता है उसकी डेली एक्टिविटीज़ पे कि उसकी एक्टिविटीज़ कैसी है, फीडिंग उसका डिसिप्लिन कैसा है। लेकिन एट अ सर्टेन एज जो एनिमल्स की जो ग्रोथ है दैट वो स्टॉप हो जाती है। अगर हम बात करते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं बाय सेल डिवीजन। बिल्कुल सही है, जैसे कि मैंने आपको बताया एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करेगा, ठीक है, ग्रो करके वो सेल डिवाइड हो जाएगा इन टू डॉटर सेल्स, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ ग्रोथ जिसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करेंगे। लेकिन वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसीडर्ड एज ग्रोथ। जो इंक्रीज इन बॉडी मास होता है उसको हम ग्रोथ कहते हैं। तो इस हिसाब से जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी ग्रो करते हैं। जैसा कि आप देखेंगे माउंटेन्स जो है, बोल्डर्स जो है, सैंड माउंट जो हैं, टीले जो हैं रेत के, वो भी ग्रो करते हैं। पहले एक टीला था वो इतना था, उसके ऊपर सैंड जो है वो जमती रही, वो टीला इतना हो गया, तो वो भी एक नॉन लिविंग थिंग है, उसने भी ग्रोथ करी, सो वो भी एक टाइप की ग्रोथ है। हाउएवर द काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग थिंग्स इज बाय अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। यस, ये देखिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो ग्रोथ है इट इज फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम द सेल डिवीजन, और जो नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर ग्रोथ है दैट इज बाय द अक्यूमुलेशन फ्रॉम आउटसाइड। तो ये आपको डिफरेंस जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट, द कंडीशन अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन्ड, देन इट इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सिस्टम्स एंड डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो। जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं करते, हम अच्छी तरह जानते हैं, बिकॉज उसके अंदर सारी एक्टिविटीज जो है वो बंद हो जाती हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स की, उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल होती है। सो आपसे पूछे कोई कि व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स, आप बता सकते हैं द इंटरनल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग। द नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग इज द रिप्रोडक्शन। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करेंगे, बिल्कुल सही बात है। दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है हमारे पास, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमिट्स बनते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई गैमिट्स नहीं बनते हैं। जैसे कि प्लेनेरिया, प्लेनेरिया जिनको हम फ्लैट वर्म्स भी बोलते हैं, उसके अंदर ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है। प्लेनेरिया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द प्लेनेरिया, उसके अंदर ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि इन प्लेनेरिया ट्रू रीजनरेशन इज प्रेजेंट और नॉट। येस, इन प्लेनेरिया ट्रू रीजनरेशन इज प्रेजेंट, दैट इज फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म।
मीन्स इसके अंदर अगर यहाँ से बाई चांस ये बॉडी पार्ट जो रिमूव हो जाता है, देन उस रिमूव्ड बॉडी पार्ट से एक न्यू प्लेनेरिया का रीजनरेशन जो है वो हो जाता है. दैट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको हम फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं. ओके, जो एक फंगी है, यहाँ पर एक फंगी का जिक्र किया गया है. फंगी जो होती है दैट इज प्रोड्यूस्ड असेक्सुअल स्पोर्स, मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स को वो प्रोड्यूस करती हैं जिससे उनका रिप्रोडक्शन होता है. यीस्ट और हाइड्रा के अंदर क्या होता है, बडिंग होती है. सो यहाँ पर काफ़ी टाइप्स के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताए गए हैं. आपको याद रखना है फंगी के अंदर क्या है, स्पोर फॉर्मेशन. यीस्ट एंड हाइड्रा के अंदर क्या है, बडिंग. प्लेनेरिया के अंदर क्या है, ट्रू रीजनरेशन. और एक फंगी और फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन. और फंगी एल्गी और मॉसेस के अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है. सो एक छोटे से स्टेंजा के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं. सो ये याद रखिएगा. अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, यूनिसेल्युलर एल्गी की बात करें, अमीबा की बात करें, तो रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस टू ग्रोथ. दैट इज इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स. वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज एन इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास. हैंस वी नोटिस दैट इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेज ऑफ द टू टर्म्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. फर्दर देर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डज नॉट रिप्रोड्यूस. येस, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट बातें हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है. जैसे कि यहाँ पर इसने बताया कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज़म्स की भी हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं. ऐसे ऑर्गेनिज़म्स को क्या कहा जाता है, स्टेराइल. यहाँ पर भी मेंशन है स्टेराइल. तो म्यूल्स, म्यूल्स मतलब खच्चर, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस टू फॉर्म द फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स. दैट्स वाई दे आर स्टेराइल. सो रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो रिप्रोडक्शन जो है उसको हम एक ऐसा नहीं मान सकते कि सारे लिविंग बींग्स के अंदर होती हैं. कुछ ना कुछ एक्सेप्शन जो हैं वो होती हैं, और एक्सेप्शन जो हैं वो ये हैं, म्यूल्स हो गया, ह्यूमन कपल्स हो गए, वर्कर बीस हो गए. सो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स. हम केमिकल्स के ही तो बने हैं. वेरियस क्लासेस ऑफ केमिकल्स, वेरियस फंक्शंस, स्मॉल और बिग बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, आर कॉन्स्टेंटली बींग मेड एंड चेंज्ड इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स. हमारी बॉडी बायोमोलिक्यूल्स से बनकर मिलकर बनी है. जैसे कि प्रोटीन्स, प्रोटीन्स बायोमोलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स बायोमोलिक्यूल्स हैं, और लिपिड्स बायोमोलिक्यूल्स हैं, लिपिड्स और फैट्स वी कैन से. सो ये सारे के सारे हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, और इन बायोमोलिक्यूल्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं और मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं. थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड द लिविंग बींग्स, थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस. सो लिविंग थिंग्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज मेटाबॉलिज्म. सो दिस इज ऑल फॉर द पेज नंबर 4 ऑफ द +1 NCERT book. In the next video, we will discuss about the page number 5. Thank you.